जय हिंद एवरीवन। तो आइए हम डायप्सिडा में जो दूसरा हमारा ऑर्डर है, स्क्वैमाटा, मतलब स्केली लिजर्ड्स है ना, जिनके बॉडी के ऊपर स्केल्स पाई जाएंगी, ऐसे लिजर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ दो बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं। देखिए, एक तो ऐसा लिजर्ड है जिसके पास फोर लिम्ब है, और फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए। तो ये तो वो लिजर्ड है जो हम लोग घरों में देखते हैं, है ना। और ये मॉनिटर लिजर्ड है, गोह, जो हम लोग अक्सर बात करते हैं उसके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, एक अलग सा लिजर्ड आपको दिख रहा होगा। ये हम लोगों को बचपन से ही फैसिनेट करता है ना। तो ये क्या है? स्नेक, है ना। तो ये तीन दोनों ही, इनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है, स्नेक को और लिजर्ड्स को एक ही ऑर्डर में रखा गया है, जिसका नाम है स्क्वामेटा। तो स्क्वामेटा में देखिए, बॉडी जो है इसका स्मॉल है, इलॉन्गेटेड है ना, लार्ज भी हो सकता है जैसे मॉनिटर लिजर्ड है, लेकिन लिम्ब्स में क्लॉ पाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, इन सब में क्लॉ पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम यहाँ पे तो लिम्ब बता दे रहे हैं, ठीक, तो लेकिन यहाँ पे तो कोई लिम्ब पाया नहीं जा रहा है सांप में। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि, या ये लिम्बलेस भी हो सकते हैं, लिम्ब लेस हो सकते हैं। इसीलिए स्क्वामेटा को दो सब ऑर्डर में बांटा गया है, दो सब ऑर्डर है ना, स्क्वामेटा में को बोलते हैं सब ऑर्डर। कौन कौन से सब ऑर्डर हैं भाई? तो देखिए, पहला है, इसको बोलते हैं लासर टीलिया, टीलिया है ना, लासर टीलिया। और दूसरा है ओफीडिया, इसमें सांप आते हैं, है ना। इसके बीच में डिफरेंस हम लोग देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लासर टीलिया मतलब रिजर्व लाइक, ओफीडिया मतलब स्नेक लाइक, है ना। अच्छा, एग्जो स्केलेटन देखेंगे यहाँ पे, तो हॉर्नी इपीडर्मल स्केल देखिए, ये कोबरा है, तो इसके बॉडी पे आपको हॉर्नी स्केल्स दिख रहे हैं, ठीक है। शील्ड्स पाई जाती हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि क्वाड्रेट बोन, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, तो जॉ जब हम लोगों ने स्कल पढ़ा था तो उसके सबसे एंड पे हमको क्वाड्रोजुगाल बोन थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेट बोन है, क्वाड्रेट बोन जो है वो दोनों लोअर जा और अपर जा के बीच में, वो मूवेबल है ना। तो मूवेबल रहने की वजह से क्या है कि इनका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने की वजह से ये अपने माउथ के डायमेंशन के 10 टाइम्स, समटाइम 20 टाइम्स ज़्यादा बड़े एनिमल्स को स्वॉलो कर जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारे साथ क्या है कि हम लोग एज ए ह्यूमन, तो हमारे माउथ की एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड हम लोग किसी चीज़ को स्वॉलो नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या है, जो हिंज है, जो बीच में दोनों जॉ के बीच की बोन है, क्वाड्रेट, वो मूवेबल है। तो जब मूवेबल है तो इसकी वजह से लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों अलग हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ इलास्टिक लिगामेंट्स हैं, तो इसीलिए क्वाड्रेट यहाँ पे मूवेबल है, जिसकी वजह से ही ये अपने माउथ से बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स को भी सॉल्व कर जाते हैं। अच्छा, इनकी वर्टिब्री देखिए, तो वर्टिब्री जो है इधर की तरफ क्या है, डिप्रेशन है ना, मतलब कॉनकेव है, कॉनकेव है, और इधर की तरफ कॉनवेक्स, तो इसको बोलते हैं प्रोसिलस। क्या बोलते हैं भाई? प्रोसिलस वर्टिब्री, क्या बोलते हैं? प्रोसिलस, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसिलस वर्टिब्री। तो ये है हमारा प्रोसिलस, है ना। अच्छा, इनकी जो रिब्स है, रिब्स जो है ना, रिब्स जो हमारे जो है चेस्ट कैविटी को पूरा बाहर की तरफ से बोन कवर करती है, उसमें सिंगल हेड होते हैं, है ना।
इसमें सिंगल हेड पाया जाता है, सिंगल हेड, इसीलिए इसको मोनोकेफलॉन भी बोलते हैं, मोनोकेफलॉन, है ना। मोनोकेफलॉन का मतलब है सिंगल हेडेड, है ना, केफलॉन का मतलब होता है हेड। तो ये वर्टिब्रल जो जो ये रिब्स की बोन है, इसमें एक ही हेड पाया जाएगा। अच्छा, टीथ को देखें, टीथ में एक्रोडॉन्ट टीथ है और प्लूरोडॉन्ट टीथ है ना। अच्छा, अब हमने पढ़ा था टेस्टुडो में, टेस्टुडो में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसवर्स क्लोएका, इसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल। फिर से देखिए, यहाँ पे स्क्वामाटा में जितने स्नेक हो या लिजर्ड्स हो, चाहे गिरगिट हो या छिपकली हो, इसमें कैसा क्लोएका पाया जाएगा, ट्रांसवर्स पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो इसमें कोपुलेटरी आर्गन है, कोपुलेटरी आर्गन जो है यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दो ऐसे स्ट्रक्चर निकले हैं। कोपुलेटरी आर्गन इसमें क्या है भाई, पेनिस, है ना। तो पेनिस में दो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, डबल पेनिस कह सकते हैं इसको, हेमी पेनिस बोलते हैं, है ना, इसको हेमी पेनिस बोलते हैं, ठीक है भाई। तो हेमी पेनिस इसमें पाया जाता है मेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके जो है बेसिक कैरेक्टर्स, किसके, स्क्वामेटा। अब इसमें जो दो सब ऑर्डर्स हैं, लासर्टिलिया और ओफीडिया, इसको हम लोगों को अंतर, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो ओफीडिया है उसमें जो है स्नेक जो है, सारे स्नेक तो पॉइजनस होते नहीं भाई, तो कौन से स्नेक पॉइजनस हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन का यहाँ बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जाइए और सांप को पकड़ लीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिस्क्लेमर है मेरा भाई, कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, ये नहीं कि आप जाके सांप पकड़ लें और कहें कि अरे भाई सर ने बताया था कि नहीं जो है ये तो नॉन पॉइजनस है ना। तो ये गलत बात है, आप जो है यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है लासर्टिलिया और ओफिडिया में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो अच्छा, अगर हमको मान लीजिए लिखने के लिए आ गया क्लासिफिकेशन, किसका, मान लीजिए मोनिटर लिजर्ड का आ गया, ठीक है। तो मोनिटर लिजर्ड का आ गया तो हाँ, मनोज बताइए। तो मनोज कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लास है वो रेप्टिलिया होगा, सब क्लास जो है डायप्सिडा होगा, और ऑर्डर स्क्वामाटा होगा, और सब ऑर्डर लासर्टिलिया होगा। वेरी गुड मनोज, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं जब भी इसमें पूछा जाता है, ठीक है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।